हरियाणा के गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समिति के अध्यक्ष अनिल विज की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में पहली बैठक हुई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में किए गए वायदों का आर्थिक एवं कानूनी पहलुओं पर मंथन एवं मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 15 दिनों बाद दोबारा समिति की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के अनेक वायदे मिलते जुलते हैं, जिनमें से अनेक वायदों को लागू करना भी शुरू कर दिया है। इनमें शराब के ठेकों को गाँव से बाहर करना तथा HTET परीक्षा संबंधी वायदे लागू कर दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार की को हरियाणा की धरती से समाप्त करने के राज्य में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके चलते राज्य में नशे के कारोबार को खत्म किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।